हेलो एवरीवन सो दिस इज़ आर बोनस सेशन और लेसन ऑन साइकोलॉजी सो ये लेसन उन सबके लिए है जो साइकोलॉजी अपना ऑप्शन ले चुके हैं या लेने का सोच रहे हैं सो दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी माय नेम इज़ अंकिता सिंह आई गिव माय मेंस विद साइकोलॉजी ऑप्शनल एंड साइकोलॉजी इज माय फेवरेट सब्जेक्ट सो वाई यू शूड टेक साइकोलॉजी पहली चीज लोग कहते हैं दिस की ये सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं है विच इज एब्सोल्यूटली फॉल्स मैंने साइकोलॉजी एक बार आई आई रेड इट बिफोर प्रलिम्स जस्ट वंस आफ्टर प्रिलिम्स आई रेड इट अगेन एंड आई डिड नाट वर्क एज हार्ड एज आई शुड हैव बट आई हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड आई स्कोर टू सेवेंटी मार्क्स विच इज़ प्रिटी गुड आई थिंक So, psychology is a scoring subject. I got one forty-two in paper one, which is very huge for psychology, and I got one twenty-eight in paper two. I consider it a bit low because I left a few questions because time ki thi aur paper pura nahi So, this subject is very, very, very scoring. So, you should not think about those things which go on in the market and which people talk about the psychology is not scoring psychology is not scoring for those people who don't love psychology if you like psychology if you love psychology if you have interest in psychology and agar aap correct way follow karte hai, and if you follow the correct path and guidance then psychology is very scoring now subjects subject so this is the most interesting subject वेरी 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 इंटरेस्टिंग इट कैन बी रेड इन ब्रेक्स टू रिफ्रेश योर सेल्फ दैट इज द ब्यूटी ऑफ साइकोलॉजी अगर आप जीएस पढ़ पढ़ के थक गए हैं तो आप अपने ब्रेक्स में साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सो साइकोलॉजी में आपको स्ट्रेस के बारे में पढ़ने मिलता है स्लीप के बारे में यू रीड यू रीड अबाउट मोटिवेशन एटीट्यूड ऑल ऑफ दीज थिंगल्प यू इन लाइफ सो साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट हेल्प्स यू प्रैक्टिकली सो मच आपको इतनी प्रैक्टिकल हेल्प देता है जिसका जवाब नहीं इट हेल्प्स इन पेपर वन इट हेल्प्स इन पेपर फोर एथिक्स इट हेल्प्स इन एसे, इनफैक्ट मेरे टाइम पे जो दो एसे आए थे उसमें से एक मैंने साइकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक पे ही लिखा था एंड इट हेल्प्स इन सोशल इश्यूज साइकोलॉजी हेल्प्स सो मच इन जी एस आई कान टेल यू सो इवन इफ यू स्टडी साइकोलॉजी एंड इन डिस्टेंट फ्यूचर्स ऑप्शनल हटा दिए जाते हैं तब भी साइकोलॉजी विल हेल्प यू इन योर लाइफ इन अदर पेपर्स सो इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट जस्ट वन वन कंडीशन इज रिक्वायर्ड कि आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और आपको ये सब्जेक्ट पसंद है बस सेकेंड स्ट्रैटेजी सो आई रेफर्ड अ वेरी फ्यू बुक्स एंड वेरी फ्यू नोट्स एंड आई रिवाइज्ड देम अगैन एंड अगैन साइकोलॉजी में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है सो टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो मस्ट मेन से पहले या तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या फिर आप क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज के अपने घर मंगवा लें एंड राइट आंसर एट योर होम थर्ड थिंग इट मस्ट बी रेड एटलीस्ट वंस बिफोर प्रिलिम्स विद योर बेसिक्स क्लियर सो आई हैड रेड साइकोलॉजी वंस बिफोर प्रिलिम्स एंड ऑल माई बेसिक्स फॉर साइकोलॉजी फर क्लियर आफ्टर दैट यू कैन मूव ऑन आफ्टर प्रिलिम्स ऑल्सो सो रीड द होल सिलेबस ंस एटलीस्ट बिफोर प्रिलिम्स ओके सो स्टार्ट रीडिंग इट नाउ यू कैन रीड वन चैप्टर डेली वन टॉपिक डेली एंड विल बी वेरी इंटरेस्टिंग नाउ डेली डेडिकेटेड आफ्टर आवर्स आफ्टर प्रिलिम्स मस्ट भी गिवेन टू साइकोलॉजी प्रिलिम्स खत्म होने के बाद हर रोज आप सिर्फ दो घंटे भी साइड कर दीजिए साइकोलॉजी के लिए जस्ट टू आवर्स एंड उन दो घंटे डेडिकेटेड स्टडी करिए बट इस टाइम को धीरे धीरे आप बढ़ाते चले जाइए

इस वजह से भी मार्क्स अच्छे नहीं आते सो यू हैव टू मेक योर आंसर डिफरेंट अब उसके लिए आई विल टेल यू फर्दर उसके लिए आपको क्या करना है यू हैव टू एड एग्जाम्पल्स फ्रॉम डे टू डे लाइफ विच विल मेक योर आंसर डिफरेंट स्टैटिक पोर्शन का तो आपका सबका आंसर सेम होगा ही होगा डायनेमिक पोर्शन जो है जिसमें आपको मतलब चेंजेस दिखाने हैं या जिसमें आपको एग्जाम्पल्स देने हैं वो आप सबके डिफरेंट होंगे विच मेक्स योर आंसर वेरी गुड फ्रॉम डे टू डे लाइफ ओके एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जितनी भी करते हैं साइकोलॉजिस्ट एंड ऑल उसको जरूर आप डालें अपने answers में, जहां पर भी डाल सकते हैं राइट दिस विल हेल्प यू अलॉट एग्जाम्पल अपनी ओन कंट्री से डालें तो बहुत अच्छा रहेगा मतलब इंडिया के ही एग्जाम्पल डालें अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चीजों में वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए पेपर कंप्लीट करें मैंने पेपर कंप्लीट नहीं किया था क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी बहुत ज्यादा सो प्रैक्टिस करें एंड कंप्लीट योर पेपर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एड्रेस ऑल पार्ट्स देर आर सेवरल पार्ट्स इन वन क्वेश्चन यू हैव टू एड्रेस ऑल द पार्ट्स नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव हाईलाइटेड सिलेबस लर्न द सिलेबस ऑफ साइकोलॉजी एंड कवर द सिलेबस कंप्लीटली अगर आपके कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिलेबस में रह जाते हैं जो किसी बुक में या किसी नोट्स में कवर नहीं हुए हैं then do those left out topics which have not been covered through notes or books from internet internet is, is such a good resource so do all those left out topics from internet and make notes of those topics last very important point is take help of newspapers so when you are reading newspaper or any magazine i used to cut the articles which which could help me in my psychology And I यू आई यूज टू मेक अ कापी बाई पेस्टिंग ऑल दोज आर्टिकल्स फॉर तो आपको ये करना चाहिए आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हो योजना पढ़ रहे हो या कोई भी मैगजीन या न्यूज पेपर पढ़ रहे हो तो उसमें आप कुछ साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते रहें आर्टिकल्स कि ये मेरे साइकोलॉजी में हेल्प आ सकते हैं या नहीं और उन आर्टिकल्स की एक अलग से कॉपी बना लें फॉर एग्जाम्पल सो इट विल रियली हेल्प यू लेटर ऑन अब इसमें क्या करना है आपको सारी चीज सा, आप ये ऐसे कैसे कर सकते हैं हाउ कैन यू डू इट यू कैन ओनली डू इट इफ यू नो द सिलेबस बाय हार्ट इफ यू हैव लर्न द सिलेबस देन इफ यू रीड एनी आर्टिकल यू विल कम टू नो वेदर इट कैन हेल्प यू आर नॉट राइट मूविंग ऑन सो दिस इज अ बुक लिस्ट विच आई फॉलोड आई एम नॉट टेलिंग यू द बुक लिस्ट विच शुड बी फॉलोड दिस इज अ बुक लिस्ट विच आई फॉलोड एंड इट वर्कड प्रिटी वेल फॉर मी मेरे लिए अच्छे से इसने काम किया बुक लिस्ट ने नाउ आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों। सो यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर साइकोलॉजी विद एनसीआरटीज इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ क्लास एनसीआरटीज रीड दैम लर्न दैम क्लियर आउट योर बेसिक्स थ्रू दैम फर्स्ट थिंग नाउ अलॉट ऑफ पीपल ए रेफर एनी वन बुक आउट ऑफ बैरन और सिस्टर बट आई बॉट बोथ द बुक्स एंड आई मेड नोट्स ऑफ सर्टन टॉपिक्स फ्रॉम बोथ द बुक्स बिकॉज इट मेड माई आंसर्स डिफरेंट आधे लोग बैरन पढ़ते हैं आधे लोग ये बुक पढ़ते हैं सो so, आधे लोगों की डेफिनेशन इससे ऐसी होती हैं आधे लोगों की डेफिनेशन ऐसी होती हैं वट आई डिड वॉज आई कम्बाइंड दीज बुक्स एंड आई मेड माई नोट्स सो विच मेड माई डेफिनेशन अब बिट डिफरेंट एंड स्लाइटली मोर इंटरेस्टिंग सो दिस विल ऑल्सो वर्क इन योर फेवर इफ़ यू कैन अफोर्ड बोथ बुक्स तो आप दोनों ही बुक्स लें पेपर टू के लिए यू ओनली नीड टू रीड स्मार्क्स वेन एंड यू नीड टू एड एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर करंट अफेयर्स फ्रॉम योर न्यूज पेपर एंड एवरी जो भी आप पढ़ते हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर साइकोलॉजी इज साइकोलॉजी टूडे वेबसाइट आप नेट पे हमेशा इस वेबसाइट को देखते रहें इसके आर्टिकल्स पढ़ते रहें और जो आपको अच्छे लगते हैं आर्टिकल्स उनके छोटे छोटे नोट्स बना लें एंड एडम टू द चैप्टर्स जिससे भी रिलेटेड वो हैं या तो पेपर वन के या पेपर टू के राइट बाकी आई रेफर टू वाजीराम क्लास नोट्स एंड वाजीराम प्रिंटेड नोट्स फॉर द टॉपिक्स विच आई कुड नॉट फाइंड इन द बुक ओके सो इन बुक्स में जो टॉपिक्स आई कुड नॉट फाइंड आई डिड इट आई डिड दो थ्रू वाजीराम प्रिंटेड नोट्स एंड वाजीराम्स क्लास नोट्स फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे साइकोलॉजी में फर्स्ट पेपर में जो है अलाट ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज एंड ऑल बहुत सारा फर्स्ट पेपर का पोर्शन यू विल नॉट फाइंड इन दीज बुक्स सो यू कैन गेट दीज नोट्स फ्रॉम एनी वेयर इन डेली यू जस्ट नीड टू विजिट डेली वंस एनी बुक्स ऑफ इट वुड गिव यू दीज नोट्स इन ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर एंड यू शुड रेफर दीज नोट्स नॉट कम्प्लीटली डोंट रीड दीज नोट कंप्लीटली बट यू कैन रेफर दीज नोट्स इनकेस यूर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी थिंग्स फ्रॉम दीज बुक सोर्सेज Or in case you don't find a topic in these book sources. So keep referring to syllabus again and again. And complete psychology syllabus wise, point-wise. Okay? Now, test, you must give test. If not test, you must write answers by looking at past year papers. Make small mind maps and flowcharts while studying. So this is one extra thing which you can do while you are studying. For example, you're studying the chapter Attitude. So you can मेक स्मॉल फ्लो चार्ट इन द बुक साइड ऑफ द बुक और इन अनदर कॉपी टू रिमेंबर वॉट यू लर्न एटीट्यूड होता है इसके तीन कॉम्पोनेंट होते हैं ये कॉन्सेप्ट यहां से आया वेरी स्मॉल माइंड मैप टाइप्स एंड फ्लो चार्ट टाइप्स यू कैन मेक सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रेटजी फॉर साइकोलॉजी विच यू शुड फॉलो इफ यू वॉन्ट मी टू टीच यू पर्टिकुलर टॉपिक्स यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल ट्राई इफ आई गेट टाइम To make lessons on particular topics by teaching you and making your concepts clear. So, good luck.